Vighnaharta Shri Ganesha, Shri Ganesha, Shri Ganesha. सर्वत्र विनाश मचाने वाले असुर भ्राता जरांतक और दुर्दांतक से मेरा एक महासंघर्ष होने के पश्चात भी जब उन्हें रोक पाने में मेरे सारे उपाय विफल हो गए तो उस समय संकट की उस घड़ी में मेरे समक्ष बस एक ही उपाय शेष रहा। समाधान तो मेरे समक्ष है ब्रह्मदेव, प्रभु भोलेनाथ, जो अपनों के रक्षक और दुष्टों के संहारक है, जो देवेश्वर है, जगत पिता है, जिनकी लीला अनंत है, जो सर्वव्यापी सर्वज्ञाता है, जो मेरे जगत के पालन कर्ता के आराध्य है, आज जब वो स्वयं मेरे समक्ष है तो मैं उनकी कृपा से वो अजय अस्त्र प्राप्त करूंगा, जिससे उस अजय प्रतीत होने वाले दुर्ग को नष्ट कर उन दोनों दुष्ट असुर भ्राताओं का नाश करूंगा। और सृष्टि और देवताओं को उन दोनों के आतंक से मुक्त करवाऊंगा। ये तो सृष्टि का विधान है कि भक्त अपने भगवान की ओर खींचा चला आता है, किंतु यहां तो स्वयं भगवान अपने भक्त का कष्ट हरने चले आए। हे कृपा निधान, हे दया सागर प्रभु शिव शंकर, आपका ये भक्त आपकी शरण में। मैं नारायण ये संकल्प लेता हूँ कि मैं तत्काल 1000 अष्ट नील कमल एकत्रित करूंगा और प्रभु भोलेनाथ के 1000 अष्ट नाम का जाप करूंगा। अपने आराध्य प्रभु महादेव की ये पूजा मैं स्वयं करूंगा और स्थान से तब तक नहीं हटूंगा जब तक ये पूजा संपन्न नहीं हो जाती। शिव सहस्त्र नाम? हाँ पुत्र, महादेव के 1000 अष्ट नाम है और प्रत्येक नाम की एक अनूठी दिव्यता है, इसलिए मैंने विलंब किए बिना बेलपत्र 1000 अष्ट नील कमल एकत्रित कर शिवलिंग की पूजा आरंभ की। ओम गण गणपताय नमः। ओम गण गणपताय नमः। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांग रागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वर। हे प्रभु महादेव, कृपा कर मेरे द्वारा किए जाने वाले आपके सहस्त्र नाम जाप को स्वीकार कीजिए। ओम स्त्राये नमः। ओम स्त्राये नमः। ओम स्त्राये नमः। ओम स्त्राये नमः। नाथ नाथ भ्राता श्री हरि नारायण ने आपकी आराधना आरंभ कर दी है। ओम स्थानवे नमः वे नमः। ओम प्रभावे नमः। ओम प्रवराये नमः। जब मैं महादेव के 1000 अष्ट नाम का जाप कर रहा था तब वो दोनों असुर वहां शांत नहीं बैठे थे। नवीन योजनाओं का निर्माण कर रहे थे। देख रहे हो भ्राता दुर्दांता, विष्णु देव का ये कृत्य है। कैसी दुर्दशा की है उन्होंने हमारे असुर सैनिकों की और हमारी। भ्राता, अपनी संपूर्ण शक्तियों के प्रयोग करने पर भी वो हमारे इस दुर्ग को कोई क्षति नहीं पहुंचा पाए, परंतु हमारे दुर्ग के टकराव से उन्हें क्षति अवश्य पहुंचेगी। सुरक्षित नहीं रह पाएंगे विष्णुदेव। अब हमारा ये दुर्ग
वज्र बनकर आपके ऊपर घातक प्रहार करेगा। शिवो महेश्वरः शंभुः पिनाकी शशि शेखरः शिपि विष्टो अंबिकानाथ श्रीकंठो भक्तवत्सल। ओम विमुक्ताय नमः। ओम मुक्त तेजस्य नमः। ये क्या कर रहे हैं ना? ओम श्रीमते नमः। ओम श्री वर्धनाय नमः। स्वामी, आपके सहस्त्र नाम जाप को पूर्ण करने के लिए तो एक सहस्त्र आठ पुष्पों का समर्पित करना अनिवार्य है। फिर आप इस एक कमल पुष्प को वहां से हटाकर उनकी पूजा क्यों खंडित करना चाहते हैं नाथ? पूजा खंडित करने के लिए नहीं प्रिय, भक्त की परीक्षा के लिए। परीक्षा? परीक्षा स्वामी? जगत के पालनहार श्री हरि नारायण, जो ना आपसे भिन्न है और ना मुझसे, जो आपके हृदय में वास करते हैं नाथ, उनकी कैसी परीक्षा? भक्त की भक्ति तो तभी फलित होती है देवी, जब वो श्रद्धा, धैर्य और समर्पण भाव से भक्ति करता है। उसी की परीक्षा है। एक पुष्प और शेष होना चाहिए था, कहां गया वो? किंतु पूजा आरंभ करने के पूर्व मैंने स्वयं उचित संख्या में पुष्प एकत्रित किए थे, कहीं मुझसे ही तो कोई त्रुटि नहीं हुई। अब मैं कैसे महादेव की एक सहस्त्र राष्ट्र नाम जाप की पूजा को संपन्न करूंगा? ऐसा क्या दोष हो गया मुझसे कि मेरी पूजा में विघ्न आ गया? यदि आज मैं अपने आराध्य की, अपने महादेव की इस पूजा को संपन्न नहीं कर सका तो स्वयं को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा, तो ये मेरी सबसे बड़ी विफलता होगी। तो क्या मेरी भक्ति, मेरी निष्ठा, मेरे विश्वास, मेरे भक्ति भाव में ही कोई अपूर्णता थी? क्या यही कारण है मेरी पूजा अपूर्ण रह जाने का? महादेव तो अपने सभी भक्तों की सहज पूजा को भी स्वीकार करते हैं, वो मेरी पूजा को कभी खंडित नहीं होने देते। अवश्य इस पूजा में मुझसे ही कोई बड़ी चूक हुई है। महादेव, मैं तो सदैव आपका ही ध्यान करता हूं, सदैव आपको ही पूजता हूं। मेरे हृदय में आप वास करते हैं और आपके हृदय में मैं वास करता हूं, फिर आपके सहस्त्र नाम जाप में मुझसे भूल कैसे हो गई, अधूरी कैसे रह गई मेरी पूजा? विष्णु देव, हमारा आक्रमण सहने के लिए तैयार रहिए आप। मेरे आराध्य, मेरे महादेव की इस पूजा को मैं कभी अधूरा नहीं रहने दूंगा। ये पूजा अवश्य पूर्ण होगी, और इसके लिए मुझे क्या करना है मुझे ज्ञात है। आप मुझे कमल नयन के नाम से संबोधित करते हैं ना महादेव, तो मैं नील कमल के स्थान पर मैं आपको अपना कमल नयन अर्पित करता हूं।
अर्पित करता हूं। कमल पुष्प के स्थान पर मेरा ये नेत्र स्वीकार कीजिए प्रभु। प्रणाम प्रभु। हे प्रभु, हे मेरा राध्य, मेरी पूजा के फल स्वरूप आपने मुझे अपने दिव्य दर्शन देकर मुझे कृतार्थ कर दिया प्रभु। मैं धन्य हो गया प्रभु। नहीं श्री हरि नारायण, आपके इस परम त्याग का साक्षी बन धन्य तो मैं हुआ हूँ। नहीं प्रभु, मैंने कोई त्याग किया ही कहाँ है। मेरी तो पूजा भी अधूरी रह गई, क्योंकि कमल पुष्प के स्थान पर आपने मेरा नेत्र स्वीकार ही कहाँ किया। आप मुझे कुछ अर्पित करें और मैं उसे अस्वीकार कर दूं, ये कहाँ संभव है। और वैसे भी आपको अपना नेत्र मुझे समर्पित करने की कोई आवश्यकता नहीं। आपकी पूजा का अंतिम पुष्प मैंने स्वयं उठा लिया था। जगत के समक्ष भक्ति का श्रेष्ठतम उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए ही ये लीला मैंने रची थी। प्रभु श्री हरि नारायण, आपने तो आज निष्ठा और समर्पण भाव का एक परम उदाहरण प्रस्तुत कर मुझे अपना और भी बड़ा भक्त बना लिया, और मैं भी आपकी भक्ति के सुख से वंचित नहीं रहूंगा। मैं वचन देता हूं कि जिस प्रकार आपने मेरे प्रति ऐसी अद्भुत अटूट भक्ति का परिचय दिया, वैसे ही भविष्य में जब आप पृथ्वी पर अवतार धारण करेंगे तो मैं भी आपकी ऐसी ही निस्वार्थ भक्ति करूंगा। और मैं ये घोषणा करता हूं, जिस प्रकार निष्ठा, श्रद्धा और समर्पण भाव से आपने मेरे सहस्र नामों का जाप किया है, आज के बाद उन नामों का जो भी जाप निष्ठा और समर्पण भाव से करेगा वो भी अपनी समस्त समस्याओं से मुक्ति पाएगा। और आपकी पूजा को फलित करने हेतु मैं आपको भी आपकी समस्या का समाधान भी प्रदान करता हूं। आप इस सुदर्शन चक्र को स्वीकार कीजिए नारायण। ये वो अस्त्र है जो कुछ भी भेदने में सक्षम है। आपके इस चक्र के समक्ष कोई नहीं टिक सकेगा, और जो भी इसकी शक्ति को चुनौती देने का दुस्साहस करेगा उसका सर्वनाश निश्चित ही होगा।
हमारे हीरे का ये दुर्ग विपरीत दिशा में क्यों जा रहा है? एक और चक्र। इस चक्र से भी हमें कोई क्षति नहीं पहुंचा पाएंगे आप। भ्राता, इस चक्र ने हमारे दुर्ग को मध्य में क्यों स्थित कर दिया है? और अब ये इतने तीव्र वेग से क्यों चलायमान हो गया? भ्राता, कहीं इससे हमें कोई संकट तो उत्पन्न नहीं होगा? हमारे असुर सैनिक और हम दोनों इस दुर्ग में हैं। हम अपनी सुरक्षा कैसे करें भ्राता? चिंता मत करो भ्राता, हमारा दुर्ग अभेद है, अजय है, उसे कोई क्षति नहीं होगी। हमारा दुर्ग खंडित हो रहा है भ्राता, ये कैसे संभव है? यह उस अजय शक्ति का परिणाम है जो मैंने शिव भक्ति से प्राप्त की है। मैंने तुम्हारे छिपने का अंतिम स्थान भी नष्ट कर दिया है। अपनी अंतिम श्वास गिनना आरंभ कर दो दुष्टों। उचित, सर्वथा उचित है, अब होगा संहार इन दोनों दुष्टों का। जो धर्म का विरोध करते, जो अन्याय करते, अपने अहंकार, अपने स्वार्थ के लिए, अपने अधर्म, अपनी दुष्टता की सत्ता स्थापित करने के लिए जो दुराचार करते, उनका भयंकर अंत ही उनकी नियति बनता है। प्रभु श्री हरि नारायण की जय। 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 नहीं देवगण, जय जयकार मेरी नहीं, अपितु महादेव की कीजिए, जिनके कारण ये संभव हुआ है। इन राक्षसों के वध का और सृष्टि की सुरक्षा का श्रेय मुझे नहीं, महादेव को जाता है। इसलिए आप सभी महादेव की जय जयकार कीजिए। प्रभु महादेव की जय। देवेश्वर प्रभु शंकर शिव शंभू महादेव की जय। महादेव द्वारा प्रदान किए गए सुदर्शन चक्र से उनके हीरे के अष्टकोणीय दुर्ग के साथ साथ उन दोनों असुरों का और उनकी समस्त सेना का विनाश हुआ। इस अद्भुत कथा का श्रवण कर मैं तो धन्य हुआ मामा जी, किंतु मेरा एक प्रश्न अभी भी शेष है। हाँ पुत्र, कहो क्या प्रश्न है? मामा जी, पिताश्री ने आपको एक और वचन भी दिया था कि वो आपके भावी अवतार की भक्ति करेंगे, किंतु उसका क्या अर्थ है मामा जी? जब जब पृथ्वी पर पाप का बोझ बढ़ता है, मैं अच्छाई को पुनः स्थापित करने हेतु अवतार धारण करता हूँ और शीघ्र ही मैं राम अवतार लेकर पृथ्वी पर अवतरित होऊंगा, क्योंकि वहां असुर राज लंकाधिपति दशानन के पाप सभी सीमाएं लांघ जाएंगे।
जटाटवी कलज्वल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्यलम्बितां जङ्गतुङ्गमालिकां डमट्टमट्टमट्टमन्निनाथपट्टपर्वयं चकारचण्डताण्डवं तनोतु नः शिवशिवम् जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्ब निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान किसी ने महादेव के निवास कैलाश की परिक्रमा नहीं की तो क्या किया जीवन में नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। और उस असुर के विनाश हेतु मेरे रामावतार में मेरे सहायक बन महादेव भी मेरे भक्त के रूप में अवतरित होंगे। अनंत अपार है महादेव की लीला। वो भक्त बनकर सेवा के लिए प्रस्तुत भी होते हैं तो भगवान के रूप में वरदान भी देते हैं। माता लक्ष्मी जी, कुबेर जी, ऋषि मार्कंडेय जी, सभी को कृपा निधान महादेव ने अपनी कृपा से कृतार्थ किया है। मेरे पिताश्री की महानता और उनकी महिमा तो अपरंपार है। किसी भी रूप में उनकी उपस्थिति की परिक्रमा करने से उनसे निकलने वाले तेज की सहज ही प्राप्ति हो जाती है। ओम नमः शिवाय। 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 जटाटवी कलज्वल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्यलम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकां डमट्टमट्टमट्टमन्निनादपट्टपर्वयं चकारचण्डताण्डवं तनोतु नः शिवशिवम् जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्ब निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्र शेखरे रति प्रतिक्षणम् मम धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधुर स्फुरदिगंत संतति प्रमोद मानसे कृपाकटाक्ष धोरणी निरुक्त दुर्धरापति क्वचित दिगंबरे मनो विनोद मेतु वस्तु ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मंदार पुष्प ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर। पुत्र, आज तुमने यहाँ भक्ति का ऐसा अपूर्व वातावरण उत्पन्न कर मुझे मेरे जन्म दिवस का अमूल्य उपहार प्रदान किया है। ऐसा उत्तम उपहार
जिसकी तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकती थी। माँ, आज का दिवस तो मेरे लिए भी ज्ञान प्रद और भक्ति से परिपूर्ण रहा। पिताश्री की लीलाओं की गाथा का श्रवण कर मैं धन्य हो गया माँ। पुत्र, अभी तो तुम्हें स्वामी की लीलाओं का आंशिक ज्ञान ही प्राप्त हुआ है। उनके भिन्न अवतारों से तुम अभी भी अनभिग्न हो पुत्र। पिताश्री के अवतार माँ? पुत्र, तुमने मेरी 10 महाविद्या रूपों की कथा का श्रवण किया। मेरे 9 दुर्गा अवतारों से भी परिचित हो तुम। पुत्र, किंतु क्या तुम्हें ज्ञात है कि संसार के उद्धार के लिए स्वामी ने भी 19 अवतार धारण किए थे? पिताश्री ने 19 अवतार धारण किए थे माँ? तो कृपया विस्तार से मुझे उन रूपों का ज्ञान दीजिए ना माँ। महादेव, महादेव! हाँ? अवश्य महादेव का कोई अनन्य भक्त होगा ये। महादेव शिव शंभू की जय। महादेव शिव शंभू की जय। देव शिव शंभू की जय। किंतु ये कौन भक्त होगा पिताश्री का? गणेश जी, ये जो भी है मैं अभी जाकर उसका आशय ज्ञात करता हूँ। यदि ये पिताश्री का कोई महाभक्त है तो इसके आगमन से ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है मुझे, जैसे यहाँ कैलाश की ओर बढ़ते ही किसी संकट की पूर्व सूचना हो? अनुज गणेश, तुम चिंता मत करो, कैलाश की ओर बढ़ता हुआ संकट तो दीपक की लौ की ओर बढ़ते हुए उस कीट पतंगे की भांति जो स्वतः ही नष्ट हो जाता है। कैलाश पर कभी कोई संकट नहीं आ सकता, कैलाश तो सारे संकटों से परे है। हे प्रभु, मैंने आपकी परिक्रमा की, आपका अभिषेक किया, आपके प्रिय बेलपत्र भी आपको समर्पित किए, फिर भी आप मुझे दर्शन क्यों नहीं दे रहे हैं प्रभु? मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए प्रभु। मेरी माता के आज्ञा का पालन करने हेतु मुझे आपको अपने साथ ले जाना ही होगा। मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए प्रभु। उचित है महादेव, अगर आप यहां प्रकट नहीं हुए तो मैं आपको कैलाश सहित लंका ले जाऊंगा। इतना बल है मेरी भुजाओं में कि मैं कैलाश को उठाकर ले जा सकता हूं। हे प्रभु, ये तो बहुत बड़ा अनिष्ट करने का विचार कर रहा है, मुझे इसे रोकना होगा। रुक जाओ यहीं, तुम्हें कैलाश में प्रवेश की अनुमति नहीं। मुझे कौन अनुमति देगा? तुम्हें ज्ञात भी है कि मैं कौन हूं? किसी की अनुमति लेना मेरा स्वभाव नहीं, जो मेरी इच्छा होती है उसे मैं बलपूर्वक पूर्ण कर ही लेता हूं। मुझे कुछ भी करने से कोई नहीं रोक सकता, और तुम्हारे लिए यही उचित रहेगा कि तुम मेरे मार्ग से हट जाओ, क्योंकि मेरी शक्ति के समक्ष तिनके के समान बिखर जाओगे तुम। तो जाओ, चले जाओ यहां से। अपनी भक्ति और शक्ति का इतना दम मत करो, जो करने का विचार कर रहे हो तुम वो सर्वथा अनुचित है, उसे करने का दुस्साहस मत करो। मेरा दुस्साहस भी साहस ही होता है, और तुम्हारी भलाई इसी में कि तुम भी ये भली बाती समझ लो कि तुम्हें पराजित करना ही नहीं, कैलाश के साथ महादेव को भी ले जाने का साहस रखता हूं। देखता है कि कौन रखता है मुझे। तुम्हें अब एक पग भी आगे नहीं बढ़ने दूंगा मैं।
महादेव का परम भक्त लंकाधिपति दशानन हूं मैं, मुझे तुम तो क्या, कोई नहीं रोक सकता। जिस भक्त का अहंकार ही उसका आभूषण हो, वो उसकी दमक दूसरों को अवश्य दिखाता रहता है, किंतु उससे वो कभी ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता।